सिटी रोहतक में आए हैं। इनको एस्कॉर्ट्स की बैकहो लोडर है जो उनके प्रोजेक्ट में चल रही है। आज हम अपनी बैकहो लोडर का डिगमैक्स का रिव्यू ऑपरेटर से जानेंगे कैसा है। जावेद जी, आप कितने टाइम से मशीन चला रहे हैं? 2009 से चला रहा हूँ। आप हमारी डिगमैक्स मशीन चला के सेटिस्फाई हैं? कैसी चल रही है मशीन? और अगर मैं मशीन के फंक्शन की बात करूँ तो आपको कैसे लगे? मशीन बढ़िया लग रहा है। मशीन की हमारी मशीन की रीच क्या है? लंबाई ठीक है, लंबाई थोड़ा जैसे जैसे बड़ी है और वो 8.5 फीट से छू सकती है। और अगर मैं मशीन की मेंटेनेंस बात करूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या मशीन की? मेंटेनेंस ठीक ही ठाक है, कुल मिला के तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। अच्छा, मेंटेनेंस आपको बता दें ये मतलब कभी ब्रेकडाउन हुई हो कुछ है? ना ना ना, ऐसा नहीं, छोटे मोटे होते रहते हैं, मैं कर लेता हूँ। मतलब कभी कुछ हुआ, रहता है पंचर हो गया, सब तो होता ही रहता है। बाकी और मशीन में कोई ऐसा ब्रेकडाउन मेजर फेलियर आया आपके? ना ना, ठीक है। और अगर मैं अपने जैसे मशीन क्लोज कर इंजन, आप इंजन की परफॉर्मेंस सेटिस्फाई है? इंजन हाँ, इंजन बढ़िया है आपका, क्लोज कर इंजन है, चक्कर आता है बढ़िया। और अगर मैं गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो फ्यूल एवरेज कैसी होने चाहती है? कौन सा आपकी एवरेज आ रही है? बैकहो में लोडर में? बैकहो में लोडर मोडर में मान के चलिए 5.5 से 5.5 तो आपका अगर मैक्सिमम काम बैकहो से होता है लोडर पे? ना ना, हमारा ये है बैकहो ही होता है, बैकहो ही जाना काम। आप अभी और मशीन की सर्विस वगैरह कैसी है, मेंटेनेंस कॉल जैसे आपके घर तो देसी की भी होंगी, आपको हमारी मशीन कैसी लगी? अच्छी सी लगी, कोई दिक्कत ना, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम सर्विस कर रहे हैं। और अगर हमारे डीलर अल्फा की कहीं सर्विस है आपकी? अल्फा की ठीक ठाक है, अल्फा की सर्विस ठीक है। आप जब फ़ोन करते हो डीलरशिप से लड़के आते हैं? आते हैं, सब लड़के टाइम पर आते हैं। और अगर भविष्य में कभी और रिक्वायरमेंट होती है आपको मशीन की तो आपका हमें दोबारा मौका दोगे? जरूर देंगे। चलो, हम यही दुआ करता है कि आप जल्दी अपने नाम से एक बिजनेस मशीन और खरीदो। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।